स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेदा में। आज एक बहुत ही शानदार कोर्स के बारे में आप सभी को इंट्रोड्यूस कराने के लिए आया हूँ और काफ़ी स्टूडेंट जानना चाहते थे इस कोर्स के बारे में। तो इस कोर्स का प्रॉपर इंट्रोडक्शन आपको मैं अपने चैनल के माध्यम से दूंगा और इस कोर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट क्या है, सिलेबस क्या है और इसकी बुक्स कहाँ से आपको मिलेंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये कोर्स कर रहे हैं। तो पूरे कोर्स की जानकारी के लिए आप वीडियो में बने रहिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो दूसरों तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन सा कोर्स है और उस कोर्स को कौन से स्टूडेंट कर सकते हैं। तो होम्योपैथ से रिलेटेड जो नर्सिंग का कोर्स है उसका इंट्रोडक्शन मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ आप सभी को, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें जो GNM नर्सिंग कर रहे हैं हम या जो होम्योपैथ नर्सिंग का कोर्स हम कर रहे हैं उसमें सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट क्या है, उनकी प्रॉपर बुक्स कहाँ मिलेंगी और उसके राइटर हमें बता दीजिए ताकि हम बुक ले सकें और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर सकें। तो इस वीडियो में उनका जो भी कन्फ्यूजन वो क्लियर होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सभी जितने भी पैथी हैं सब में अलग अलग तरह के कोर्स ड्यूरेशन हैं, सबके सिलेबस सब्जेक्ट अलग अलग हैं। यहाँ तक कि जो आयुर्वेद के कोर्स हैं वो अलग स्टेट में उनके सब्जेक्ट और सिलेबस अलग अलग हैं और यूपी में अलग है, राजस्थान में अलग है, हरियाणा में अलग है, अलग अलग स्टेट के जो सिलेबस हैं वो अलग अलग हैं। जितने भी पैथी हैं, जितनी भी पैथी है, चाहे आयुर्वेद के हो गए, चाहे एलोपैथ के हो गए या होम्योपैथ के हो गए, उसी तरह से अगर इसमें भी देखें तो कुछ चीजें हैं जो बदल जाती है, लेकिन सारी चीजें जो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो सब जगह इसमें एक ही तरह से सारी चीजें चल रही हैं। कुछ चीजें जो हैं अलग अलग हो जाती हैं। तो कोर्स का इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूं तो इस कोर्स को भी हम डायरेक्टली जो है डिप्लोमा इन होम्योपैथ नर्सिंग के नाम से ही जानते हैं, मतलब कि होम्योपैथ नर्स नर्सिंग कोर्स भी कह सकते हैं इसको। तो ये जो कोर्स है आपका, सिंपली अगर कोर्स का ड्यूरेशन अगर देखें तो 2 साल का ये कोर्स है और इसमें इंटर्नशिप की कोई बात नहीं कही गई है। ये जो कोर्स है आपका, मैं पूरी जो कोर्स की ड्यूरेशन है, टाइमिंग है, वो है बस 2 साल की। इसमें इंटर्नशिप की बात मैं नहीं बता रहा हूँ कि आपको इंटर्नशिप इसमें अलग से इसमें जोड़ना है या एडअप है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोर्स जो है 2 साल का है और अगर एग्जामिनेशन अगर इसका देखें तो 2 साल में आपके 2 ही एग्जाम होने, कोई सेमेस्टर नहीं है इसमें, सेमेस्टर वाइज एग्जाम नहीं होता है। तो 2 साल में आपके 2 एग्जाम होने हैं और एडमिशन अगर देखें तो एडमिशन आपका एंट्रेंस के थ्रू भी होता है या मेरिट बेस्ड भी होता है। और सबसे बड़ी बात है कि सब्जेक्ट बाउंडिंग क्या है कि जो प्लस टू करके जा रहे हैं, हायर सेकेंडरी करके जो बच्चे पास आउट हुए हैं उनको क्या सब्जेक्ट चाहिए इसमें अगर एडमिशन लेना चाहते हैं। तो सब्जेक्ट आपको PCB ही लेना पड़ेगा क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अगर आपका इंटर में है तभी आप होम्योपैथ में भी अगर नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। जबकि आयुर्वेद नर्सिंग है और ये जो डी फार्मा है उसमें कुछ फाउंडेशन है वो खत्म कर दिया गया है, लेकिन इसमें है PCB आपका बहुत ज्यादा जरूरी है और इंग्लिश आपका सब्जेक्ट होना ही चाहिए तभी आप यहाँ पे डिप्लोमा जो नर्सिंग है वो कर सकते हैं। फिर उसी तरह से अगर एवरेज फीस अगर देख लें तो अलग अलग कॉलेज की अलग अलग फीस है, लेकिन मिनिमम जो फीस है 80,000 पर एनम और मैक्सिमम जो है 1 लाख तक की फीस आपको 1 साल की पे करनी होती है। अलग अलग कॉलेज की फीस भी अलग अलग है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब मैं फीस के बारे में जब बात करता हूँ तो कमेंट में लिख देते हैं कि मैं फ्री में करा दूंगा, ऐसे है वैसे है। तो जो फ्री में करा रहे हैं या जो फीस के ऊपर कमेंट करते हैं तो पहले आप खुद आप चेक कीजिए कि आप किस जगह से आप कोर्स करा रहे हैं स्टूडेंट को, वो एफिलिएटेड है नहीं है, तब जा करके आप कमेंट कीजिए। तो ये जो फीस है वैलिड जो है, अगर एफिलिएटेड कॉलेज हैं, बढ़िया कॉलेज हैं, तो आपको मिनिमम जो फीस है 80,000 से लेकर के मैक्सिमम 1 लाख तक की फीस आपको पे करनी होती है। बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ 2 साल का कोर्स है तो फर्स्ट ईयर में आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं और जितने सब्जेक्ट है उतने आपको प्रैक्टिकल भी देने होते हैं। उसी तरह से आपको अगर सेकेंड ईयर में देखें तो सेकेंड ईयर में भी आपको 4 सब्जेक्ट नहीं है सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर में 3 है और 3 प्रैक्टिकल है। सब्जेक्ट के नाम बारी बारी से मैं बता देता हूँ। पहला जो सब्जेक्ट है वो है आपका कम्युनिकेशन इंग्लिश का और कंप्यूटर फंडामेंटल, कम्युनिकेशन इंग्लिश एंड कंप्यूटर फंडामेंटल का कोर्स जो सब्जेक्ट है आपका फर्स्ट है। सेकेंड जो है एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है और बायोकेमिस्ट्री का है।
तो तीनों हैं, तीनों का जनरली जो है टॉपिक वाइज आपको सिलेबस में दिया हुआ है क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। उसी तरह से थर्ड जो सब्जेक्ट है वो इंट्रोडक्शन है होम्योपैथी और हेल्थ एजुकेशन का। इंट्रोडक्शन बस आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा होम्योपैथी जो चिकित्सा पद्धति है उससे, और जो हेल्थ एजुकेशन है उस चीजों को इंट्रोडक्शन के टाइप में ही आपको पढ़ना है, ज्यादा डीपली इसमें नहीं चीजें पढ़नी है। फिर उसी तरह से जो लास्ट सब्जेक्ट है आपका जनरल नर्सिंग के जो प्रिंसिपल है और प्रैक्टिस है, मतलब कि सब्जेक्ट का जो नाम है जनरल नर्सिंग एंड प्रैक्टिस जो है ये सब्जेक्ट है, लास्ट सब्जेक्ट है आपका फर्स्ट ईयर का। उसी तरह से जो पांचवें नंबर पे मैंने मेंशन किया वो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है, तो मतलब कि चार सब्जेक्ट है, चारों के आपके चार प्रैक्टिकल आपको करने हैं। तो प्रैक्टिकल और थियरी जो है चार प्रैक्टिकल और चार आपके थियरी के जो सब्जेक्ट है मैंने बता दिया। उसी तरह से अगर सेकेंड ईयर में बात करेंगे तो सेकेंड ईयर में आपके तीन सब्जेक्ट है और तीन प्रैक्टिकल है। तो पहला जो सब्जेक्ट है वो इंट्रोडक्शन टू मटेरियल सर्जिकल नर्सिंग है, और फिर उसके बाद से सेकेंड जो पेपर है आपका डिस्पेंसिंग एंड एड ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन है, तो डिस्पेंसिंग और एड ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। और थर्ड नंबर जो आपका सब्जेक्ट है वो है एडवांस होम्योपैथिक नर्सिंग। तो तीन सब्जेक्ट हैं आपके और तीन प्रैक्टिकल हैं वो फाइनल ईयर में आपको करने होते हैं। तो जितने भी कोर्स की जो जानकारी थी होम्योपैथिक नर्सिंग की, तो होम्योपैथ नर्सिंग का जो कोर्स है 2 साल का है, फीस मैंने बता दिया, एडमिशन किस तरह से आपको लेना है वो भी मैंने बता दिया, सब्जेक्ट सिलेबस क्या है वो भी मैंने बता दिया। कुछ लोग की कन्फ्यूजन है बुक को लेकर के, बुक के राइटर को लेकर के, तो उनका भी कन्फ्यूजन मैं क्लियर कर दूंगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बुक की लिंक मिल जाएगी, जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर राइटर और बुक के नेम के साथ आपको मैं ऑनलाइन बुक का लिंक दे दूंगा, ताकि आप वहां से जा करके परचेज कर सकते हैं बुक को। डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक को क्लिक कीजिए और वहां से आप बुक परचेज कर लीजिए। आशा करता हूँ कि ये जो कोर्स है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।